Good morning, all of you. Once again, I welcome you all to my channel, Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID. And today I am going to discuss a very important topic under educational psychology, that is educational implications of Piaget's theory of cognitive development. Okay, so do subscribe my channel. The lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for both Hindi as well as English medium students, and it will be useful for various certain teaching examinations. Okay, so let's start. First of all, we have to quickly revise the cognitive development theory of Jean Piaget. So Piaget saab ki sanyanatmak vikas की थ्योरी क्या है? पियाजे साहब ने क्या कहा था? कई लोग भूल गए होंगे या दिमाग से निकल गया होगा या उन्होंने अभी ओरिजिनल इसका पहला वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं जानते होंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जहां पियाजे के. तो पियाजे साहब के बारे में देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं, आपको पता होना चाहिए. टेक्स्ट बुक में जनरली नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो टू द पॉइंट चलती हैं चीजें, बहुत ज्यादा कुछ उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते. तो जब हम याद करें अल्फ्रेड बिने को, अल्फ्रेड बिने जब पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे थे तो उनको क्या कहा गया था? फ्रांस की सरकार ने उनसे कहा कि आप एक ऐसा हमको टेस्ट बना के देखिए जिसमें हम सेग्रीगेट कर सकें वो छात्र, वो बच्चे जिनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल काउंसलिंग की, स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, जिनको ज़रूरत है, और कुछ जो उनसे बेहतर हैं. तो इस प्रोसेस में जब वो बन रहा था, जब वो फ्रेंच से इंग्लिश में बन रहा था, इंग्लिश से फ्रेंच में उसका ट्रांसलेशन हो रहा था, तो ये ट्रांसलेशन वाले काम में जियां पियाजे साहब इंक्लूड थे, यानी कि ये बिने साहब के अंडर में काम कर रहे थे. और जब वो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि ये जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, ये जो एज वाइज इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डिफर कर रही है. आपको याद होगा कि अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का हमको कंसेप्ट दिया है ना. तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष तक के बच्चे इतना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, इस वर्ष तक के बच्चे ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं से मेंटल एज का कंसेप्ट निकल के आया. तो पियाजे साहब को भी आइडिया लगा कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो एज वाइज डिफर कर रही है. यहीं से ये अपनी थ्योरी को जन्म दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट छात्र हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो वयस्क की तरह से नहीं सोचते. यहां से ये मिथ टूटता है कि जो छात्र हैं, जो छोटे बच्चे, आई डोंट मतलब कि छोटे बच्चे किड्स जो हैं, जो अंडर 12 हैं, वो कमतर सोचते हैं वयस्कों की अपेक्षा. उन पहले ये माना जाता था, या आप कुछ लोग कह सकते थे कि वो लेस इंटेलिजेंट है. बट पियाजे साहब ने ये क्लियर किया कि नहीं, इंटेलिजेंस के लेवल में अंतर नहीं है, बस थिंकिंग प्रोसेस में अंतर है. वो अलग तरीके से सोचते हैं, वयस्क अलग तरीके से सोचते हैं. तो ये चीज निकल के यहीं से आ रही है. और बाद में पियाजे ने अपनी वाइफ के संग अपने ही तीन बच्चों पे, ये सभी लोग जानते होंगे, जीवन भर सतत वो उसमें मतलब प्रयासरत रहे, और इसीलिए ये थ्योरी जो है अनकंपेरेबल है. अभी तक बहुत बहुत पढ़ी पढ़ाई जाती है और बहुत इसके हमको शैक्षिक निहितार्थ मिले इतना कुछ. हाँ, फिर उन्होंने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेज वाइज है, चरणबद्ध तरीके से चलेगा. और चार उन्होंने हमको स्टेप्स बताए थे, स्टेजेस बताई थी. कौन कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. ओके, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए. आज हमको ये जानना है, उस वीडियो में शैक्षिक निहितार्थ इंक्लूडेड नहीं है. हमसे जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तब भी पूछा जाता है, और इन जनरल भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये किसने कहा, कैसे कहा. तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से कोई लाभ नहीं है जब तक हमको ये ना पता हो कि उस थ्योरी से हमको एजुकेशनल वर्ल्ड में, एजुकेशनल सिनेरियो में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हमारे क्लासरूम में उसका क्या इम्प्लीकेशन है. तो पियाजे साहब की सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? सबसे पहले, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, नॉट जस्ट ऑन इट्स प्रोडक्ट. क्योंकि इन्होंने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात की है, इसलिए ये हमको सिद्धांत ये बताता है कि हमको छात्र के, बच्चे के जो सोचने का की प्रक्रिया है उस पर भी वर्क करना, उस पर भी काम करना. अंतिम उत्पाद जो निकल कर आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसको तो बाय डिफॉल्ट आना ही है निकल के. इसलिए हम क्या करेंगे कि जो चिल्ड्रंस की थिंकिंग प्रोसेस है उस पर हम एम्फेसाइज करेंगे, ये बात निकल कर आती है पियाजे से. देन रिकॉग्निशन ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ चिल्ड्रंस सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज, यानी ये इन्होंने हमको ये इस बात पर को महसूस करवाया कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है, वो क्रूशियल रोल प्ले करता है. टीचर का रोल सेकेंडरी है, वो फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए.
और जो छात्र है वो क्या करेगा, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वो खुद से इनिशिएटिव लेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग प्रोसेस में। तो हमको शिक्षा दीक्षा इस तरीके से नियंत्रित करनी है, निर्देशित करनी है। देन अ डी इम्फेसिस ऑन प्रैक्टिसेस एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, यानी कि हमको इस बात पर बल बिल्कुल नहीं देना है कि छात्र को, छोटे बच्चे को हम इस तरीके से तैयार करें कि वो वयस्क की तरह से सोचने लगे। नहीं, सोच ही नहीं सकता है, बिकॉज दोनों की थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है इन अकॉर्डिंग्स टू पियाजे। यही जब आप ब्रूनर पे जाएंगे तो ब्रूनर कहते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं वो लूजली कनेक्टेड हैं, इंटरवोवन हैं एक दूसरे में, इसलिए कोई भी छात्र किसी भी दशा में किसी भी स्टडी मटेरियल को समझ सकता है। पर यहां हम पियाजे के हिसाब से समझ रहे हैं। ओके, तो अ डी इम्फेसिस ऑन प्रैक्टिसेस, यानी कि जो हम इम्फेसाइज करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है, बल्कि छात्र को छात्र की तरीके से उसके एज वाइज जो थिंकिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ओके, देन एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हर बच्चा पहले सेंसरी मोटर में जाएगा, फिर प्री ऑपरेशनल में, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, देन फॉर्मल ऑपरेशनल में, बट ये जो प्रोसेस है ये चाइल्ड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगी, है ना। कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो से दो सेंसरी मोटर है तो दो वर्ष के एक दिन बाद ही वो प्री ऑपरेशनल में एंटर कर जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है तो सब में सेम, लेकिन सब में एक दूसरे से अलग है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाई करते हैं और हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए डेवलपमेंटल प्रोग्रेस में छात्र की। देन एडेप्टेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि लमसम जीरो से दो वर्ष का बच्चा सेंसरी मोटर में रहता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसकी क्या खासियत है इस लेवल की। देन दो से सात में जब वो प्री ऑपरेशनल में रहता है तो कैसे करना है उसके संग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो हमको वहां पे इंस्ट्रक्शन लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से देना है, और जब फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वो कर सकता है तो वहां पे उसको उस तरीके से डेवलपमेंटल लेवल है उसका, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंगली उसके अडेप्टेशन के हिसाब से देने हैं। ओके, देन एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स। हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो बच्चा है वो विश्व को, वह संसार को अपने इर्द गिर्द दूसरी तरीके से परसीव करता है, दूसरी तरीके से सोचता है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा इन अकॉर्डिंग टू पियाजे। देन चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव लर्नर्स, दे एक्टिवली बिल्ड अप देयर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स। ये बात पहले भी हो गई कि जो छात्र हैं वो पैसिवली सिर्फ ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं नॉलेज, पैसिवली सिर्फ रिसीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक्टिवली बिल्डअप देयर नॉलेज। वो क्यों, अभी अब बात आगे भी निकल कर आएगी कि पियाजे साहब को ही कंस्ट्रक्टिविज्म का जनक मानते हैं। वो बात दूसरी है कि कंस्ट्रक्टिविज्म बाद में जाके तीन भाग में पड़ जाता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे वीक कंस्ट्रक्टिविज्म है कंस्ट्रक्टिविज्म के कंटिन्यूअम पे, लेकिन शुरुआत पियाजे से ही होती है कि छात्र जो है वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग से पे वर्क करता है, अपने नॉलेज के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से, और उस तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वंस इंटेलिजेंस इज ए फंक्शन ऑफ वंस एबिलिटी टू अडैप्ट और एडजस्ट टू वंस एनवायरनमेंट। ये हमको ये समझने में मदद करते हैं कि किसी छात्र की बुद्धि जो है वो किसका फंक्शन है, वो गुणात्मक उत्पाद है उसकी योग्यता का, और वो जो एडजस्टमेंट करता है अपने एनवायरनमेंट के संग उसका उसका गुणनफल है। देन हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइव्स एंड मोटिवेशन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, पियाजे साहब क्या कह रहे हैं कि छात्र एक्टिव लर्नर है, छात्र सराउंडिंग पे इंटरेक्शन करता है, वो अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है, इसलिए ड्राइव, मोटिवेशन, ये सारी चीजें लर्निंग में यहां से बल पाती हैं कि इन पे आप वर्क कीजिए। मोटिवेशनल लेवल हाई होना चाहिए छात्र का, ड्राइव उसके पास कोई होनी चाहिए, तभी वो उस तरफ मूव करेगा। देन provides valuable information and advice on curriculum planning and structuring. देखिए, सब कुछ क्लियर हो गया करिकुलम प्लानर को कि किस वर्ष तक का बच्चा किस डेवलपमेंटल लेवल में होगा, इसलिए जब हम उसके लिए करिकुलम का निर्माण करेंगे तो उस तरीके की उसमें चीजें होनी चाहिए ताकि छात्र जो है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको उस तरीके के एक्सपीरियंसेस मिले जिससे कि वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। देन provides quite valuable to teachers and parents for making them aware of the nature of the thought process of the children at a particular level of maturation होना चाहिए था, of maturation or chronological age। यानी कि सबको पता है, छात्र को, छात्र वयस्क को पता है, उसके पेरेंट को पता है, गार्जियन को पता है, उसके टीचर को पता है कि छात्र किस chronological एज ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसलिए वो कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में होगा, इसलिए उसकी थॉट प्रोसेस किस तरीके से होगी, और इसलिए हमको अब
अवेयर रहना है. जैसे कि सबसे खास इसका एग्जाम्पल निकल के आता है जब एडोलेसेंट एज में है, यानी कि जब हाईएस्ट थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है, तो इंडक्टिव डिडक्टिव एवरी तरीके की रीजनिंग क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सब जब वो डील कर रहा है, इसलिए वो तर्क वितर्क उस वक्त करता है, जिसको कि हम पेरेंट्स अक्सर ये मान लेते हैं कि बच्चा जो है वो हमसे सवाल जवाब कर रहा है और उसको गलत मानते हैं. बल्कि उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि उसके दिमाग में अब वो थिंकिंग प्रोसेस हाईली एक्टिवेटेड है, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है. हमको अकॉर्डिंगली उसको सिंपैथेटिकली ट्रीट करना चाहिए और चीजें आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. देन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियाजेस थियरी इज इट्स एनालिसिस एंड सजेशंस ऑफ द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर एन इंडिविजुअल्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ assimilation, accommodation and equilibration. देखिए, जिसने भी पियाजे की थ्योरी पढ़ रखी है उसको पता है कि मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो स्कीमा की बात करते हैं. स्कीमा क्या है? एक मेंटल इमेज है आपके दिमाग में किसी भी कंसेप्ट की. तो वो कहते हैं बच्चा तीन तरीके से सीख रहा है, तीन प्रोसेसेस चल रही हैं थिंकिंग प्रोसेस, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है कि हमारे दिमाग में किसी चीज की कोई मेंटल इमेज है और हमको कोई नई इमेज मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस इमेज से उसको मैच कराते हैं और उसको उसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं. एक के ऊपर एक हमने उसको एडजस्ट कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं एसिमिलेट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक नया स्कीमा बन गया. लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, जो प्रीवियस नॉलेज हमारे दिमाग में है और जो नई नॉलेज हमको मिल रही है उसमें कुछ कहीं डिसोनेंस है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ सेटिंग नहीं हो रही है, तो हम जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको थोड़ा सा एकोमोडेट करके नए वाले के संग उसको फिट इन करते हैं. ये एकोमोडेशन यानी कि वन स्टेप अहेड है, हम कुछ काम इसमें एडिशनली कर रहे हैं. और ये जो प्रोसेस है, मतलब जब आपका एसिमिलेशन हुआ तब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन एकोमोडेशन में होम्योस्टेसिस हमको चाहिए ना, साम्यावस्था चाहिए कि हमारा जो गड़बड़ी हो गई है कि ये चीज ऐसी थी और नई चीज हमको इससे डिफर पता चल रही है, तो नहीं नहीं हमको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करना है. तो ये जो प्रोसेस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, इसको मिला के कहते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि हम मतलब छात्र, छात्र मतलब इंडिविजुअल जो है अपने मेंटल स्ट्रक्चर को स्कीमा में इक्विलिब्रेशन बनाने की कोशिश करता है कि एवरीथिंग होम्योस्टेसिस में चली जाए. ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए हूँ क्योंकि पियाजे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं हर चीज को इन डिटेल यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, आप पुराना देख लीजिए, है ना. तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, मुख्य हम कह सकते हैं कि इनका योगदान हमारी टीचिंग लर्निंग में क्या है, कि उन्होंने हमें बताया ये प्रोसेसेस इनके बारे में, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ताकि विषय विशेषज्ञ उसको जानता रहे और उस हिसाब से अपने छात्र को पढ़ाए. Then it has advocated the need of child-centered education, बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ से समझ में आती है. क्यों? क्योंकि कह रहे हैं बालक फोकस है, student centered learning है, child centered learning है, individual differences है ना. And by saying that the educational experiences must be built around the learner's cognitive structure, यानी कि जो दिमाग का उसका cognitive structure चल रहा है, हमको उसके हिसाब से educational experience उसको provide करने हैं, so that वो उसके ऊपर work करे और अपने लिए ज्ञान का निर्माण करें. जब लर्निंग बाई डूइंग होगी, जब छात्र एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, तो लर्निंग क्या होगी, परमानेंट होगी, फिक्स्ड होगी, ज्यादा रिटेंशन उसका ज्यादा रहेगा. देन कौन कौन से हमको देखिए थीम्स निकल के आती हैं पियाजे से, कंस्ट्रक्टिविज्म जनक माने जाते हैं रचनावाद के. देन डिस्कवरी लर्निंग, कह रहे हैं छात्र को सब कुछ मत पढ़ाइए, कुछ छोड़ दीजिए थोड़ा सा उसके लिए, जिसके लिए वो खुद डिस्कवर करे, क्वेश्चन आंसर करे, तर्क वितर्क करे, ढूंढे, तो उसकी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, तो लर्निंग जो है वो बेहतर होगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थिंकिंग की जो हायरार्की है उसमें ऊपर आती है, टॉप मोस्ट लेवल पर आती है, तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरेट करनी है, इनकलकेट करनी है बच्चों में. देन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखेगा तो बेहतर सीखेगा. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी चाइल्ड हैज टू पास थ्रू दैट मच स्टेजेस बट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअलिटी, यानी हर छात्र उन्हीं स्टेजेस को क्रॉस करेगा लेकिन अपने हिसाब से, आर दी मेन पॉइंट्स टू एड्रेस. मतलब ये सारी चीजें निकल कर आती हैं पियाजे से, हमको मिलती हैं और ये सब शैक्षिक निहितार्थ पियाजे के हैं और आज तक हम इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सटीक बैठते हैं. बाकी तो क्रिटिसिज्म हर थ्योरी का है, पियाजे का भी है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And join, if you join my Telegram group, you can find their learning material. You can ask your query there, because here only I am speaking. You are a passive listener and you can give your feedback to me too on my Telegram group. Okay, so join that group. Thank you. Thank you all. Done from my side.